Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. सर यहाँ पे This is my first address. I came to this city on the 3rd of June 1981. मैं बॉम्बे आया था ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करने के बाद. एक साल डेढ़ साल एक्टिंग स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं यहाँ आया था. तो फिर दो महीने रहने के बाद मैंने जब अपना घर ढूंढा तो मुझे यहाँ पर ये घर मिला 2x15. ये कदम मेरे जो मकान मालिक थी मालकिन थी और इस छोटे से कमरे में 8x10 के कमरे में हम चार लोग रहते थे और एक किचन में जो मकान मालकिन थी अपने चार बच्चों के साथ रहती थी. और यहाँ से शुरुआत की थी. मगर मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का था कि अनुपम खेर खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट. तो रांची डायरीज़ के रिवीलिंग ऑफ पोस्टर और डेट जो 5 अक्टूबर को हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं उसके रिवील के लिए मुझे लगा कि मैं अपनी सारी कास्ट को डायरेक्टर को यहाँ लेकर आऊँगा तो उनको लगना चाहिए कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी. आज 33 साल बाद मैं 510 फिल्में कर चुका हूँ. काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर भी की है. मगर एज़ लॉन्ग एज अपनी शुरुआत आप याद रखो कि तो आप ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं. आज इन सब लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं इनसे मिलता रहता हूँ. इस बार मैं 2-4 साल बाद आया हूँ वरना मैं आता रहता हूँ. अभी जो आप देख रहे हैं बड़ी पॉश सी देख रहे हैं. तब जो था ये बहुत ही ज़मीन जो थी वो इसकी थी इसका जमीन गड्ढे थे और टाइल्स नहीं थी. बट इट्स है लोग वैसे ही हैं खुश मिजाज अच्छे दिल से प्यारे. यही हमारी फिल्म है. कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पे जगह से. अब कोई ना कोई यादें ताज़ा हुई हैं यहाँ पे दोबारा आके. या ये ताज़े ही यादा रखता हैं ये जो यहाँ की ये यादें हैं वो ताज़ा रखता हूँ ताकि मेरे ज़मीन जो हैं वो ज़मीन से जुड़े रहें. मेरे पैर जो हैं ज़मीन से जुड़े रहें. वो इसकी बदौलत ही रहता है. अगर जिस दिन मैं इस जगह को भूल गया ना उस दिन मेरा जो भड़प्पन है और जो मेरी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी. जैसे मैं ये नहीं भूलता कि 3rd June 1981 को मैं 37 रुपये लेकर यहाँ आया था इस शहर में. ये नहीं भूलता मैं कभी जब मैं बीटी स्टेशन उतरा था. वैसे ही मैं कैसे भूल सकता हूँ 11 महीने 12 महीने यहाँ रहा हूँ. यहाँ के लोगों ने मेरी सक्सेस की प्रार्थना की है मुझे आगे बढ़ाने मेरा अनगिनत दुआएँ दी हैं. तो आई एम वॉट एवर टूडे बिकॉज आई रिमेंबर दिस प्लेस. दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू डू दिस. ऐसा कोई ऑफकोर्स इट्स ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो बट द बेस्ट थिंग इज दैट टूडे एवरीबडी इज वेरी हैप्पी. रांची डायरीज छोटे शहरों के लोगों की अपेक्षाओं के बारे में है उनकी एस्पिरेशंस के बारे में. मैं खुद क्योंकि छोटे शहर से आया हूँ ऐसे 4-5 यूथ की कहानी है. 4 लड़के और 1 लड़की की कहानी है जो कुछ बनना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं. उसके लिए वो गलत हरकतें भी करते हैं सही हरकतें भी करते हैं बट उनकी एस्पिरेशंस की कहानी. आज हिंदुस्तान जो है वो छोटे छोटे शहरों के हीरो से है. MS धोनी रांची से है. जितने भी ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं बाकी हमारी हॉकी टीम के हमारी क्रिकेट टीम की जो फाइनल में पहुंच गई थी ये सब छोटे छोटे शहरों से है. हिंदुस्तान छोटे शहरों में उनकी जान है हमारे हिंदुस्तान की. तो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू द मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु हैव एस्पिरेशंस टू बिकम समबडी. ओके काफ़ी अलग सा टॉपिक भी चुना है आपने मूवी बनाने के लिए रांची डायरीज़. तो इसकी कोई खास वजह नहीं. सात्विक मोहंती जो इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मेरे पास मुझे एक एज एन एक्टर साइन करने आए थे. तो मैंने उनसे पूछा कोई प्रोड्यूसर है. उन्होंने कहा प्रोड्यूसर तो कोई नहीं है. मैंने कहा जब होगा तो बता देना मुझे. फिर 2-3 महीने बाद फिर उनका मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा क्या हुआ भाई उसका. तो कहते कोई प्रोड्यूसर नहीं. फिर मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा ठीक है आई लाइक योर स्क्रिप्ट तो लेट्स सी नाउ हाउ कैन वी फाइंड द मनी. जी 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 जी. ओके आपका आप किस किरदार में नजर आए. आई एम द बैड गाय इन द फिल्म. ओके और जैसे कि दिलीप जी की जैसे कि अभी बात हुई थी जो आपने भी बोला तो क्या कहना चाहेंगे क्या विशेष देना चाहेंगे. दिलीप साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक खास किस्म की शख्सियत हैं. और मैं उनकी तबीयत की दुआ करूँगा कि जल्दी ठीक हो जाएँ. पूरा राष्ट्र उनके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जैसे हर सिचुएशन के बाद जब उनकी तो वो बिल्कुल हम सब उन छोटे छोटे दिलीप कुमार हैं उनकी तरह एक्टिंग करते हैं. उनसे बहुत कुछ सीखा है. एंड आई विल प्रे टू गॉड अलॉन्ग विद 1.2 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया दैट ही इज़ फाइन सून. थैंक यू सो मच सर. चल बेटा सर यहाँ पे सर यहाँ
ओके।